हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल? सब सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है इंजन ब्रेकिंग सिस्टम। आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं इंजन ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, तो उसी टॉपिक पे हम एक वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंजन के 4 स्ट्रोक कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले होता है इनटेक स्ट्रोक, सेकेंड होता है कंप्रेशन। तो आपने देखा होगा ये वाल्व खुला है और ओपन हो गया है। इनटेक में क्या करता है, एयर इनटेक होती है तो वाल्व ओपन होता है, उसके बाद कंप्रेशन में वो वाल्व बंद हो जाता है तो एयर कंप्रेस होती है, ठीक है। उसके बाद होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होता है जिससे कंप्रेस एयर के साथ वो ब्लास्ट हो जाता है। और 4th स्ट्रोक होता है हमारा एग्जॉस्ट, जिससे क्या होता है एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो ये हमारा 4th स्ट्रोक होता है सिस्टम होता है। तो अब नॉर्मली ये वॉल्व कैसे काम करते हैं जान लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर हेड है, ये कैम शाफ्ट है, इसके ऊपर ये पुश रॉड होती है, उसके बाद रॉकर आर्म होती है और ये हमारी वॉल्व होती है। ये कैसे काम करता है, जैसे ही कैम शाफ्ट घूमना शुरू करती है, लोब नीचे जाता है तो वॉल्व क्लोज हो जाता है और लोब जब ऊपर जाता है तो वॉल्व ओपन हो जाता है। क्योंकि ये लोब जो होता है, ये कैम का जो लोब होता है, जब ये उसको पुश करता है पुश रॉड को, तो वो रॉकर आर्म को पुश करता है, रॉकर आर्म से कनेक्ट होता है हमारा वॉल्व, वॉल्व को ओपन कर देता है। और जब ये नीचे जाता है तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग क्या करता है अपने टेंशन के साथ उसको रॉकर आर्म को ऊपर पुश कर देता है, जिससे हमारा वाल्व भी क्लोज हो जाता है। तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा दिखता है, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग उसको पुश कर देता है ऊपर की तरफ में, तो जिससे क्या होता है हमारा वाल्व क्लोज हो जाता है। तो अभी इंजन ब्रेकिंग के साथ ये हमारा 4th स्ट्रोक कैसे काम करता है वो देखेंगे हम। अभी इसमें देखिए, ये कंप्रेशन स्ट्रोक में ही हमारा वाल्व ओपन हो गया, उसके बाद पावर स्ट्रोक हुआ, फिर एग्जॉस्ट में फिर ओपन हुआ। तो इंजन ब्रेकिंग सिस्टम को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारा वाल्व 2 बार क्लोज ओपन होता है, एक कंप्रेशन स्ट्रोक में और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा एयर इनटेक होती है उसके बाद कंप्रेशन में जो एयर कंप्रेस होके पावर स्ट्रोक में ब्लास्ट होती है फ्यूल के साथ, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को कंप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वॉल्व ओपन हो गया, पूरी की पूरी एयर उसने बाहर निकाल दी। पावर स्ट्रोक में जब फ्यूल उसके अंदर इंजेक्ट किया गया है तो वो कंप्रेस्ड एयर के साथ नहीं चलता है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल चुकी है, फ्यूल अकेला है तो जल नहीं पाता है, जिसकी वजह से गाड़ी को पावर नहीं मिलती है, और पावर नहीं मिलती है तो गाड़ी आगे पुश नहीं हो पाती है, जिससे गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, और जिसको हम इंजन ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंजन से होता है। तो अब हमारा सवाल ये रहेगा कि जब कैम का लोब ऊपर होता है तभी तो ये वॉल्व ओपन होता है, जब कैम का लोब नीचे है तो ये कैसे ओपन होगा? तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक सिस्टम मास्टर सिलेंडर ऊपर में उसके लगाया जाता है। तो इस सिस्टम में होता क्या है, देखिए देखते हैं। जब कैम नीचे की तरफ जाता है तो वॉल्व क्लोज हो गया, ये इसका अभी कंप्रेशन स्ट्रोक है ना। तो इसमें क्या होता है, इंजन ऑयल से जो ऑयल आता है कंट्रोल वाल्व में ऑलरेडी रुका रहता है। जब ड्राइवर ढलान पे नीचे उतरते हुए एक पैनल में स्विच होता है, स्विच को एक्टिवेट करता है, इंजन ब्रेकिंग स्विच का एक्टिवेट करता है, तो क्या होता है ये कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा इंजन ऑयल जो है सिलेंडर में आना शुरू होता है और सिलेंडर उसको पुश करता है। सिलेंडर जब पुश करता है तो वाल्व ओपन हो जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में ही वाल्व ओपन हो जाता है। जो इनटेक एयर उसके अंदर आई है वो कंप्रेस नहीं हो पाती, वो सारी की सारी बाहर चली जाती है, जिससे पावर स्ट्रोक में उसको पावर नहीं मिल पाती, पावर स्ट्रोक में फ्यूल जल नहीं पाता, जिससे गाड़ी को स्पीड नहीं मिलती है, गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है। और गाड़ी को स्लो डाउन करने का मतलब ही ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो ये इंजन ब्रेकिंग सिस्टम है, ऐसे ही ये काम करता है। अलग अलग गाड़ी में हो सकता है सिलेंडर ऊपर लगा हो, या रॉकर आर्म और हमारा एग्जॉस्ट वाल्व के बीच में लगा हो,
तो ये अलग अलग इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग जगह यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। उसके बीच में एक सिलेंडर दिया जाता है जिससे इंजन ऑयल से उसको ऑपरेट किया जाता है एक स्विच के माध्यम से। जब उसको ऑपरेट करते हो तो कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस नहीं हो पाती एयर और बाहर निकल जाती है, जिससे पावर स्ट्रोक में आपको बर्न नहीं हो पाता ऑयल और हमारी गाड़ी को पावर नहीं मिलती है। तो यही इसका फंडा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।